पिछले एपिसोड में हमने आपको मेघालय से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी दी थी और आज हम पूर्वी भारत में स्थित एक ऐसे राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक दो नहीं बल्कि पांच राज्य से अपना सीमाएं शेयर करता है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये भारत का 16वां बड़ा राज्य और जनसंख्या के लिहाज से 14वां राज्य है। एक ऐसा राज्य जिसमें देश की 40% खनिज संपदा मौजूद है। एक ऐसा राज्य जिसका अधिकतर हिस्सा ग्रामीण है और केवल 24% लोग ही शहरों में रहते हैं। आज हम आपको इनक्रेडिबल झारखंड के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं SD और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेन चैनल और ये है द इनक्रेडिबल इंडिया सीरीज। झारखंड भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ये पहले बिहार राज्य का एक हिस्सा था। 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग हो गया और एक स्वतंत्र राज्य बन गया। ये सभी वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट और नेचर लवर्स के लिए एक सही गंतव्य है। रांची झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। झारखंड अपने समृद्ध खनिज आधार के लिए पूरे देश में लोकप्रिय है। ये उन प्रमुख विशेषताओं में से एक है जो दुनिया भर में उद्योगों को ऊपर और चलाने की स्थिति में रखती है। ये भारत में खनिज संसाधनों के लिए कुल हिस्से का लगभग 40% है। यहाँ आपको देश के कोकिंग कोल का लगभग 100% मिलेगा, जिसमें 30% कोकिंग कोल और 93% मीडियम कोकिंग कोल शामिल है। झारखंड देश में थर्मल पावर की नींव रखता है। जमशेदपुर सिटी को पहला औद्योगिक शहर माना जाता है। ये टाटा स्टील प्लांट का घरेलू फैक्ट्री भी यही है, जिसे वर्ष 1907 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी। झारखंड आदिवासी लोगों के प्रभुत्व जगह है, जिसमें लगभग 28% आबादी आदिवासी और इसका लगभग 12% हिस्सा अनुसूचित जाति का है। झारखंड की सबसे दिलचस्प स्थिति में से एक ये है कि झारखंड शब्द का अर्थ हिंदी शब्द झाड़ से लिया गया है, जिसका मतलब झाड़ियाँ होती है, जिसके कारण इस राज्य को झाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है। झारखंड का एक अन्य महत्वपूर्ण रोचक तथ्य रांची में हुंडरू झरना है। ये 34वां सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 48 मीटर है। हुंडरू फॉल समुन्द्र रेखा नदी द्वारा निर्मित है। ये फॉल पूरे झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा झरना है। अकबरनामा में भी झारखंड के छोटे नागपुर का जिक्र है। मुगल काल में इसे दूसरे नाम खुर्क से पुकारते थे। झारखंड का इतिहास लगभग 5000 ईसा पूर्व तक है। 500 ईसा पूर्व में झारखंड महाजनपद का हिस्सा था। झारखंड एक आध्यात्मिक राज्य है, जिसमें कई अविश्वसनीय मंदिर हैं, जो पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण स्थान है। देवघर झारखंड राज्य के प्राचीन शहरों में से एक है, जो अपने भव्य मंदिरों के लिए लोकप्रिय है। कम ही लोग जानते हैं कि झारखंड का माइथन डैम पूरे देश में शीर्ष 10 सबसे ऊंचे बांधों के रूप में आता है। देश का सबसे बड़ा जलाशय दामोदर वैली भी मौजूद है। इसका एक विशिष्ट भूमिगत पावर स्टेशन है, जो 65 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। रांची की रॉक गार्डन रांची शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है। इस रॉक गार्डन को पूरे देश के 5 अविश्वसनीय रॉक गार्डनों में से एक माना जाता है। झारखंड पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जैसे कई लोकप्रिय व्यक्तित्वों का जन्मस्थान है। इसके अलावा कई बॉलीवुड हस्तियाँ इस जगह से संबोधित हैं। झारखंड की बेतला नेशनल पार्क का संरक्षित क्षेत्र भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला वन्यजीव पार्क है। तो ये थी इनक्रेडिबल झारखंड से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए बेल बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही। सब खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।